व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैश विद अवेज, जहां मैं आपको सिखाता हूँ क्लैश ऑफ क्लैंस की स्ट्रेटजीज जो आपको इजीली 3 स्टार्स दिला सके होम बेस एंड बिल्डर बेस दोनों में। यो गाइस, सो गाइस, कल हमने चालू किया था हमारा CWL सीरीज, उसका पहला वीडियो मैं कल डाल चुका हूँ, हाउ टू स्टार्ट CWL। उम्मीद है आपको वो वीडियो पसंद आया होगा और आपने देखा होगा, और नहीं देखा तो अभी जाके देखिए आप तुरंत, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जो लोग नए हैं उन्हें मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पर आपको नई ऑसम वीडियोस मिलती रहेंगी। सो गाइस, चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज के वीडियो में मैं आपके लाया हूँ जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है CWL का, CWL के डोनेशंस। जी हाँ, डोनेशंस के लिए तो हाई आईडी चाहिए, तो ये देखिए आप, मैं रश आईडी बनाई है, TH14 रश आईडी, देख सकते हैं आप। ईगल आर्टिलरी अपग्रेड पे है, स्कैटर शॉट्स दोनों अपग्रेड पे है, और पेट्स मेरे सारे खुल चुके हैं, सिर्फ एक यूनिकॉर्न बाकी है, वो भी मैं खोलने वाला हूँ। सो गाइस, चलिए फिर बात करते हैं डोनेशंस की। तो CWL में जो आपका क्लैन है और जो टाउन हॉल के प्लेयर्स हैं आपके पास, उस हिसाब से डोनेशंस करनी होगी। तो अब तो डोनेशंस का रिस्ट्रिक्शन भी आ चुका है, जैसे कि टाउन हॉल 10 है तो टाउन हॉल 12 तक के ट्रूप्स के डोनेशंस ले सकता है, टाउन हॉल 9 है तो 11 तक के ट्रूप डोनेशन ले सकता है, और सुपर ट्रूप्स, यानी कि आप अगर टाउन हॉल 9 है तो आप सुपर वॉल ब्रेकर ले सकते हैं, लेकिन आप सुपर मिनियन नहीं ले सकते, इसलिए सुपर ये डोनेशन लिमिट कैप आने के बाद, अपडेट के बाद थोड़ा डोनेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं आपको खास बता रहा हूँ ये डोनेशन कैसे करना है और क्या डोनेशन करना चाहिए और कैसे अटैक करने चाहिए। अब देखिए, ये जो मेरी आईडी है ये रस्ट आईडी है, अब इससे मैं अटैक कैसे करूँगा वो भी आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, रस्ट आईडी से कैसे अटैक करें CWL में। चलिए गाइस, बढ़ते हैं आज के डोनेशन वीडियो की तरफ, हाउ टू डोनेट। देखिए अब ये हमारे सबके बेसिस दिख रहे हैं आपको, और ये जैसे आपको पता है ओपोनेंट बेसिस आपको दिखेंगे नहीं, तो थोड़ा डोनेशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। देखिए TH9 के लिए बेस्ट डोनेशन जो होता है वो इलेक्ट्रो ही होगा, क्योंकि 30 की स्पेस मिलती है आपको, और सुपर ट्रूप तो आप दे नहीं सकते, 11 के दे सकते यानी कि सुपर आर्चर सुपर बाबलियन, लेकिन वो इतने काम नहीं आएगी और स्पेस ज़्यादा खाएगी। अगर आप सुपर आर्चर डालने की सोच रहे हैं तो फिर एक सुपर आर्चर 12 की स्पेस खा जाएगी, यानी कि आप दो ही सुपर आर्चर डाल सकते, इसलिए वो इतना फ़ायदेमंद नहीं होगा मेरे हिसाब से, इसलिए इलेक्ट्रो डोनेशन ही बेस्ट है। और लावा भी आप डाल सकते हैं, लेकिन लावा सिर्फ थोड़ा डिस्ट्रैक्शन करेगा, लेकिन लावा इतना डैमेज नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा जितना कि इलेक्ट्रो दे सकता है, इसीलिए इलेक्ट्रो बेस्ट है टाउन हॉल 9 के लिए। टाउन हॉल 8 के लिए भी मैं सजेस्ट कर दूँ, अगर कोई टाउन हॉल 8 प्लेयर्स हो आपके एक लाइन में, तो टाउन हॉल 8 पे अभी मैं डोनेट कर रहा हूँ, 25 की स्पेस है, इसलिए मैं ड्रैगन राइडर डोनेट करता हूँ, लेकिन अगर आपके पास ड्रैगन राइडर अवेलेबल ना हो तो आप उसमें ड्रैगन्स भी दे सकते हैं, ड्रैगन और एक बलून, या तो हेड हंटर्स दे सकते हैं। तो चलिए फिर अब बाकी के जो इलेक्ट्रो देने बचे वो मैं दे देता हूँ, देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रो कुक करके रखे हैं मैंने, तो जो भी TH9 प्लेयर्स है और जिनकी CC TH9 लेवल की है उन्हें मैं इलेक्ट्रो दे देता हूँ। अभी एक खास चीज़ देखिए, एक TH10 प्लेयर है हमारा, ये अभी TH10 पे मूव हुआ है, तो इसकी CC अपग्रेड नहीं हुई है, मेन चीज़ आपका CC अपग्रेड है, अगर आपका CC अपग्रेड नहीं है तो आपको टाउन हॉल 12 के ट्रूप्स नहीं मिलेंगे। अभी ये टाउन हॉल 10 है, लेकिन इसकी CC जो है वो क्लैन कासल जो है वो टाउन हॉल 9 लेवल का है, इसीलिए इसे टाउन हॉल 11 तक के ट्रूप्स का डोनेशन मिलेगा, यानी कि टाउन हॉल 11 पे इलेक्ट्रो का लेवल 2 होता है, तो इसलिए मैं इलेक्ट्रो लेवल 2 ही दे सकता हूँ, लेवल 3 नहीं दे सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं डोनेशन की तरफ। अब ये जो है टाउन हॉल 10 प्लेयर, इसको हम कुछ भी दे सकते हैं, टाउन हॉल 12 की CC, तो इसमें मैंने सोचा है कि मैं ड्रैगन राइडर दूँ, और जो 10 की स्पेस बच रही है उसमें मैं दूंगा बेबी ड्रैगन, ये काफ़ी बढ़िया CC हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास ड्रैगन राइडर ना हो तो आप उसकी जगह पर इलेक्ट्रो और बलून भी दे सकते हैं, या तो फिर दे सकते हैं ड्रैगन और बेबी ड्रैगन और बलून, और उसकी जगह पे लावा हाउंड या फिर विचिस भी दे सकते हैं, 2 विचिस, एक बेबी ड्रैगन और एक आर्चर, ये CC भी बढ़िया साबित हो सकती है। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल की, बाकी सबको मैं सब में
ड्रैगन राइडर्स डाल देता हूँ और बेबी ड्रैगन में बाद में कुक करके डाल दूंगा। आपको जो सीसी अच्छी लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं, ये रखिए या तो फिर बीच वाली है, लावा हाउंड वाली है। और इसमें देखिए मैं पहले इलेक्ट्रो डाल चुका हूँ, तो अब मैं इसमें बलून डाल देता हूँ और इसमें भी इलेक्ट्रो डाल चुका हूँ लेवल 4 का। देखिए अब टाउन हॉल 10 को मिला था लेवल 3 का इलेक्ट्रो ड्रैगन, क्योंकि टाउन हॉल 12 के हिसाब से चल रहा था और टाउन हॉल 12 पे मैक्स इलेक्ट्रो लेवल है लेवल 3, और टाउन हॉल 11 को मिल रहा है इलेक्ट्रो लेवल 4 जो कि टाउन हॉल 13 के हिसाब से। चलिए फिर सब में मैं बलून्स डाल देता हूँ जितने हैं मेरे पास, और बाकी के बाद में कुक करके डाल दूंगा। अब मेरे बलून्स ख़त्म हो गए तो मैं बाद में डाल दूंगा। और अब इसमें देखिए टाउन हॉल 12 में जो 40 की स्पेस वाला है उसमें उसमें एक इलेक्ट्रो डाल दूंगा और फिर एक बेबी ड्रैगन, और जो 35 की स्पेस है उसमें एक बलून डाल दूंगा सब में। अभी मेरे पास सुपर मिनियन ये इस आईडी में अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं अपने ये क्लैन में सुपर मिनियन डाइन डाल रहा हूँ। नहीं तो सुपर मिनियन भी एक बहुत बढ़िया सीसी है, तो मैं आपको मेरी TH12 आईडी का डोनेशन दिखाता हूँ। वो आईडी से मैं दूसरे क्लैन में CWL खेल रहा हूँ, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो आईडी से कैसे डोनेट किया और क्या डोनेट करा टाउन हॉल 12, 13 और 14 के प्लेयर्स को। तो देखिए ये जो डोनेट कर दिया है सारे ट्रूप्स जा रहे हैं और मैं बाकी के ट्रूप्स कुक कर लेता हूँ, जो बाद में मुझे डोनेशंस करने। और बेबी ड्रैगन जो है वो मैं TH11 आईडी से दूंगा, क्योंकि इसमें बेबी ड्रैगन मेरा लेवल 1 है, क्योंकि ये रश है। देखिए जो भी डोनेट चुका हूँ मैं वो सारे ट्रूप्स जा रहे हैं सीसी की तरफ। तो देखिएगा इसमें आ चुका हूँ अपनी TH12 आईडी में, तो आप देख सकते हैं अब TH12 आईडी मेरी मैक्स हो चुकी है ऑलरेडी, थोड़ी सिर्फ थोड़े वॉल्स बचे। हीरोज मेरे मैक्स हो चुके हैं, सिर्फ बारबेन किंग के 5 लेवल्स बचे और थोड़े आर्चर टावर्स और कैनन्स बचे। चलिए फिर अब मैं मेन बात जो है हमारी डोनेशंस पे चलता हूँ। ये देखिए हमारा CWL का Day 1 यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, हमारा फर्स्ट क्लैन है ये, PM मोदी नाम रखा है। नेम चेंज नहीं हो सकता, नहीं तो मैं नेम चेंज करवा देता क्लैन का, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है। देखिए मैं CC दिखा देता हूँ आपको, मैंने क्या क्या डोनेट किया है CC। TH14 के प्लेयर को मैंने डोनेट किया है 45 की स्पेस के हिसाब से, 2 सुपर मिनियन, 1 सुपर विजर्ड, 1 बेबी ड्रैगन और 1 आर्चर। ये CC मुझे सबसे बेस्ट लगा इसलिए मैंने ये डोनेट किया है। सुपर मिनियन और सुपर विजर्ड दोनों मेरे एक्टिव है अभी, वो कल डोनेट किया था लेकिन कल एक्टिव थे, अभी टाइम ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैं अगले वार में डोनेट करने के लिए वापस उन्हें एक्टिवेट करूँगा। तो याद रखेगा अभी जैसे ये वॉर स्टार्ट हो चुका है तब मैं सेकेंड वॉर का डोनेशन भी साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर दूंगा, ये आपको हमेशा याद रखना है। सुपर मिनियन का 2 का स्पेस हो गया 24, सुपर विजर्ड का हो गया प्लस करके 34, और फिर बेबी ड्रैगन का प्लस करके हो गया 44 और एक और आर्चर का 45। तो TH14 और 13 की स्पेस जो है वो सेम है, तो आप सेम ट्रूप्स ही डोनेट कर सकते हैं TH13 और 14 में, सिर्फ स्पेल्स का डिफरेंस होता है तो उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टाउन हॉल 12 का दिखा देता हूँ आपको, टाउन हॉल 12 में मैंने क्या डोनेट किया है। देखिए टाउन हॉल 12 में होती है 40 की स्पेस, तो उस हिसाब से मैंने डोनेट किए 2 सुपर मिनियंस, 2 हेड हंटर्स और 1 विजार्ड। यहाँ पर कई बार हम सिर्फ थ्री सुपर मिनियन भी डोनेट करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है सारे सुपर मिनियंस ही होते हैं, और जैसे ही अगर ओपोनेंट ने अटैक के टाइम पे पॉइजन डाल दिया तो सारे सुपर मिनियंस ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। इसीलिए सेफ्टी के लिए 2 ही सुपर मिनियंस डाल रहा हूँ मैं, और 2 हेड हंटर्स भी डाल रहा हूँ ताकि वो हीरोज को ईजिली डाउन कर सके ओपोनेंट्स के। तो आप ये भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप अगर आपके पास सुपर मिनियन ना हो तो जैसे मैंने पहले आपको बताया आप इलेक्ट्रो भी डोनेट कर सकते हैं, या लावा हाउंड या विचिस। तो ये ऑप्शन है आपके पास डोनेशन के लिए, बेस्ट डोनेशन के लिए। देखिए कितना हार्ड वॉर आया है यहाँ पे, क्रिस्टल 1 का क्लैन है हमारा इसलिए हार्ड वॉर आया है। मोस्ट ऑफ सारे TH14 प्लेयर्स है और सिर्फ 2 टाउन हॉल 12 प्लेयर्स है, और टाउन हॉल 13 के भी थोड़े बहुत प्लेयर्स है, और हमारे जो है वो सारे मोस्ट ऑफ टाउन हॉल 12 है। चलिए फिर अब चलिए गाइस मैं मिलूँगा आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में
टिल देन स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्टली जाएंगे डे वन लाइव अटैक्स में. टिल देन स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय गाइस.